सीएमएस ऑडिटोरियम गोमती नगर में एक सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी ने दीप प्रज्वलन एवं चित्र का अनावरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने वक्तव्य में कहा कि जैन समाज सबसे प्राचीन एवं सबसे उत्कृष्ट समाज एवं धर्म है। इसके द्वारा अहिंसा एवं सत्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। कार्यक्रम में मेयर सुषमा खरकवाल ने भी क्षमावाणी की उपयोगिता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला एवं उनका सम्मान महिला समाज द्वारा किया गया। एडवोकेट हरिशंकर जैन एवं एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदू जैन सिख ईसाई सब मजहब एक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत भूषण, विनोद रात्रा, निर्मल सिंह, संजय गुप्ता, संदीप बंसल, संजीव जैन, कमर कुमार जैन, आदिश जैन, विनय कुमार जैन, रितेश जैन, बंटी जैन, शुभ चंद्र जैन, राकेश जैन, नितिन जैन, चंद्र प्रकाश जैन, निकांत जैन, बच्चू सिंह, अंकित जैन आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में मध्य जैन लेडीज क्लब द्वारा भक्ति नृत्य, मंगलाचरण जैन महिला मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संबोधन आचार्य विशद सागर महाराज ने अपने प्रवचन के द्वारा किया और कहा कि आज क्षमा की बहुत ज़रूरत है और जैन धर्म के सिद्धांत जियो और जीने दो के माध्यम से विश्व में शांति बनाई रखी जा सकती है। जिस तरह आज एक दूसरे से लोग युद्ध कर रहे हैं वह अच्छी चीज़ नहीं है और यह विश्व की ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही है। अंत में अध्यक्ष आशीष जैन ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए सभा का समापन किया। और दीपावली मनाने का हम लोग का जो जैनियों का मंतव्य है वो यही रहता है कि भगवान महावीर स्वामी को उस दिन मोक्ष हुआ था उसी के उपलक्ष में हम दीपावली मनाते हैं, दिया जलाते हैं। और ये वर्ष जो आ रही दीपावली अगले माह ये विशेष वर्ष है क्योंकि इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए हुए 2550 वर्ष हो जाएंगे। भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये घोषणा की है कि पूरे वर्ष को अहिंसा वर्ष के रूप में मनाएंगे और पूरे वर्ष कार्यक्रम करेंगे, विभिन्न कार्यक्रम माध्यम से भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इसी आशय से एक कमेटी का गठन हम लोगों ने किया है जो पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी और महावीर स्वामी संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेगी। आज हम लोगों ने एक क्षमावाणी महापर्व मनाने का निश्चय किया है। क्षमावाणी पर्व यानी सॉरी डे, ये एक ऐसा विलक्षण पर्व है जो केवल जैन धर्म में नहीं मनाया जाता है। पूरे वर्ष भर जब हम साथ में रहते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं तो कुछ जगह मनमुटाव, कुछ जगह विसंगतियाँ जीवन में आ जाती हैं। तो उन सभी को मन में कोई गांठ ना पड़ने पाए, मन में कोई विसंगति ना आने पाए, मन में कोई राग द्वेष के परिणाम ना आने पाए, इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। भैया प्रियजन, यदि कोई हमसे भूल चुक हुई हो कि भाई क्षमा करिएगा और मन में कोई विलय ना रखे, गलाई ना रखेगा ताकि हम लोग जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इस आशय से हम लोगों ने ये सामूहिक क्षमावाणी पर्व मनाने का निश्चय किया है और इसमें विशेषता यह है कि इसमें हमने सर्वधर्म समाज के लोगों को आमंत्रित किया है। सिख समाज से, बौद्ध समाज से, ब्रह्म कुमारी से, आदि आनंद समाज से हम सब बुलाया है ताकि वो लोग समझे क्षमा का क्या महत्व है, क्षमावाणी को कैसे मनाया जाता है, अपने भावों को परिणामों को निर्मल कैसे किया जाता है, ये सब संदेश देना चाहते हैं। आज यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है जिसके द्वारा विश्व में जो अशांति फैल रही है, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है वो समाप्त हो सकता है। छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, इसके बाद पहले शब्द खत्म कर देंगे तो बातें वही समाप्त हो जाएंगी और अपना मन निर्मल हो जाएगा और सही बचेंगे खत्म हो जाएंगी। इस आशय हम लोग पर्व बना रहे हैं। मैं राकेश जैन, ये जो हमारी समिति बनी है मैं उसका वरिष्ठ मंत्री हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि महावीर भवन का 2550वां निर्माण महोत्सव पूरे वर्ष नवंबर से नवंबर तक मनाया जाएगा। इस निर्माण वर्ष को हम अहिंसा के रूप में, जो हमारे महावीर भवन का था जियो और जीने दो संदेश था अहिंसा परमो धर्म, उसको लेकर चल रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाएंगे। मैं इस कमेटी में बहुत छोटा सा पदाधिकारी उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और एक ही बात कहना चाहूँगा मीडियम के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं को, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने सूक्ष्म नोटिस पर
आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का, वो ये उद्देश्य है कि अहिंसा वर्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो जैन सिद्धांत है और जैन धर्म है वो सिद्धांतों पर आधारित है। हम कहते हैं पानी छान के, पहले बहुत हंसी मजाक उड़ती थी कि जैनी मजाक करते हैं कि पानी छान के, आज पूरा विश्व आरओ मिनरल वाटर का यूज़ कर रहा है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात पानी की वेस्टेज का हमारे धर्म में पहले से कहा गया कि कम से कम पानी का यूज़ करो, आगे चल के पानी की हम जो इकट्ठा करना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाएगा। तो आज पूरा विश्व आप देख रहे हैं पानी के जल स्तर को कम करने के ऊपर चिंतित है, एक बात तो। दूसरी बात ये कि जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे वर्ष हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने महावीर भगवान को मंदिरों से बाहर लाएंगे। मंदिरों से बाहर लाने का मतलब जो हमारे महावीर भगवान ने सिद्धांत कहे हैं अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो, उसका हमें असली एहसास कराना है और जन जन तक पहुंचाना है जाएगा, क्योंकि हमें अपने महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मंदिर के अंदर नहीं रखना है, अब मंदिर के बाहर लाना है। जियो और जीने दो और दूसरे को भी जीने का एक अवसर देना है, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और एक चीज और, जो हमने सामूहिक क्षमावनी पर्व बनाया है, ये विश्व में कोई भी धर्म नहीं बनाता, सिर्फ जैन धर्म बनाता है। और इसमें हम पूरे साल में जितनी भी गलतियां जो हम मानते हैं हमारे द्वारा हुई हैं, ये सामने किसी के भी माध्यम से हुई हैं, उन सबको जाने अनजाने में जो भी गलती है हम अपनी ओर से क्षमा करते हैं और सामने वाले से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो उससे माफ़ी मांगते हैं। तो ये डे जो बनता है वो सॉरी डे के नाम से हम चाहते हैं, सरकार से भी हम अपील करना चाहते हैं कि इसको एक त्यौहार के रूप में बनाया जाए और सभी धर्म इस सॉरी डे को बनाने का अपने भी उसमें एक छोटा सा लाए, जिससे कि जो हमारे अंदर हीन भावनाएं बढ़ती जा रही हैं मैं वो ख़त्म हो सके। एक जब एक फुल स्टॉप लग जाता है तो जो हमारे प्रति एक दूसरे की कसाई भाव बनती है वो शत्रुता में नहीं बदलेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये चाहता हूँ, धन्यवाद। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।